जर्जर सड़क से परेशान पाली के नागरिकों ने गांधी चौक में चक्का जाम आंदोलन किया। इस मार्ग में चलने वाले वाहनों के पहिए थम गए। ब्लॉक कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। सांसद प्रतिनिधि प्रशांत मिश्रा समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। करघोरा डूमर कछार पाली तक सड़क की स्थिति काफी खराब हो गई है, जिससे रहवासी दुकानदार और आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कटघोरा में 13 करोड़ रुपए की बनेगी और उसी प्रकार से छुरी में बनेगी, तो ये काम अब छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग की तरफ से बनेगा और ई ने आके वहाँ आश्वस्त किया है। जिला अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने भी उनके सामने आके आश्वासन दिया कि मरम्मत कार्य तो आज से ही चालू हो गया है, लेकिन इस सड़क का पूरी तरीके से निर्माण कर 1 माह के भीतर करा लिया जाएगा और 20 मार्च लास्ट डेट दिए हैं, काम चालू हो जाएगा सड़क का, जिसको अब सीधा सीधा PWD ही बनाएगी। हाईवे के रोड को छोड़ने वाली रोड को, जो बीच बीच की जितनी रोडें छुट्टी हैं सार एरिया का, पाली का, कटघोरा का, छुरी का, ये सब PWD ही बनाएगी और जिसके लिए टेंडर प्रोसेस हो गया है, 20 मार्च से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये जो निरंतर सड़कें जो खराब हैं और खासकर पाली नगर के अंदर का, उसके संबंध में आज आंदोलन किया गया था, चक्का जाम किया गया था और उच्च अधिकारियों के समक्ष इस बात का निर्णय हुआ है कि 1 माह के अंदर में इस कार्य को पूर्ण रूप से रोड को बना लिया जाएगा और अभी तत्काल में आज से उन्होंने मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया है। जुड़ा हुआ कोई भी वर्क है, चाहे वो रोड का हो मुद्दा, चाहे किसी भी चीज का हो, अनदेखी की जा रही है। इसके विरोध के रूप में हम लोगों ने आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। हमारे राज्य सरकार के सक्षम अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हुई और आज यह आश्वासन मिला है, आश्वासन ही नहीं आज वर्क भी शुरू हुआ है कि महीने भर के अंदर में रोड का काम द्रुत गति से चालू होगा। इसके बाद हम लोगों ने धरना प्रदर्शन को समाप्त किया है। इंदौर में शुक्लिया किराए पर थाने